हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक, मतलब 25,000 करोड़ का अमाउंट आपको छोटा लग रहा होगा, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डिफेंस सेक्टर, जैसा कि आपको पता है कि भैया जो NDA गवर्नमेंट है उसका पूरा जोर है डिफेंस को मॉडर्नाइज करने में। चाहे आप एयरफोर्स की बात करो या फिर आप आर्मी की बात करो या आपका नेवी की, आर्मी के लिए राइफल्स स्नाइपर्स खरीदने से लेके बुलेट प्रूफ जैकेट से लेके एयरफोर्स के लिए प्लेन हो गए, तो मतलब क्या नहीं कर रहा, इवन हेलीकॉप्टर्स, हर चीज़ें खरीदने पे जोर है। और मिसाइल उसके ऊपर तो बहुत बड़ा जोर है, मैं कह रहा हूँ हर तरीके से, चाहे वो आप एयरफोर्स में बात करो, प्लेन्स पे मिसाइल लगती हैं, टैंकों में, और आपके तरह जितने आर्टिलरी व्हीकल्स होते हैं उन सब में, मतलब नेवी, हर जगह मिसाइल की रिक्वायरमेंट है। तो ये शेयर जबरदस्त इसी तरीके से ये अपनी ऑर्डर बुक को देख रहा है और देख रहा है, हाँ भाई 25,000 करोड़ कहीं नहीं गए। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा शेयर है, चलिए हम बात करते हैं शेयर की। 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मात्र 294 का प्राइस है, डिविडेंड बढ़िया देता है, सेल्स ग्रोथ 17% की है, बिल्कुल निचले स्तर पर है, और अर्निंग पर शेयर बहुत बढ़िया, रिटर्न रेशियो देखिए 37% और 25%, हर 13 रुपये पे 1 रुपये कमाता है, मतलब हर तरीके से बढ़िया स्टॉक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेट फ्री स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक। अब आप सोचेंगे कंपनी कौन सी है यार, कैसी बात कर रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, यानी कि जो वाटर गाइडेड वेपन सिस्टम बनाता है ना, मेजरली ये इसका मेजर काम है, मिसाइल शेयर कह लो आप इसको। अब 25,000 करोड़ की बात हो रही थी, तो ये 25,000 करोड़ कहाँ से आए वो देखिए, अभी की टाइम पे इसके अगर आप करंट ऑर्डर बुक देखें तो 8,000 करोड़ की ऑर्डर है जिसको ये एग्जीक्यूट कर रहा है, और आने वाले टाइम में इसकी ऑर्डर बुक जो है 25,000 करोड़ जाने वाली है आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ये कहना है यही BDL का कहना है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का कहना है कि हमें इतने ज़बरदस्त ऑर्डर मिल रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले 3-4 सालों में ये 25,000 करोड़ हो जाएंगे। BDL अगर आप बात करें, यहाँ पे अमरावती महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये एक इट एक्सपेक्ट टू इन्वेस्ट अबाउट 300 करोड़ वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है, इट ऑलरेडी मेड लैंड एक्विजिशन कर चुका है ऑलरेडी, और वंस वी सिक्योर ऑर्डर द फैसिलिटी वुड बी डेवलप्ड। चलिए बढ़िया बात है भाई, ऑर्डर मिलेंगे तो डेफिनेटली एक्सपेंशन तो करनी पड़ेगी। तो ये देखिए जो आप देख रहे हो ना, मिसाइल्स, वाटर गाइडेड सिस्टम, ये सारा कुछ इसका काम है। अपार्ट फ्रॉम इट्स एंगेजमेंट इन को डेवलपमेंट, ये साथ साथ DRDO के साथ भी, जैसे कि QRSAM सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, जिस तरीके से आपको प्लेन उड़ रहा है ऊपर उसको उड़ाना पड़ता है, तो वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती है, आकाश NG अस्त्रा, ये सारी चीज़ें ये BDL बनाता है, और ये नए डोमेन में एंटर करने की और सोच रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, मैं कहूँगा भाई। और दूसरी चीज़ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो BDL है उनको भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, और सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, अंडर वाटर मिसाइल, सारी चीज़ें भाई, ये अल्टीमेट डिफेंस सेगमेंट का ये ज़बरदस्त शेयर है BDL। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी प्रॉफिट्स एंड ऑल की, तो आप प्रॉफिट एंड ऑल जरूर देखें, तो देखिए किस तरीके से प्रॉफिट इस कमाता है। अगर पूरे साल का देखा जाए तो अभी इसने 423 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, मार्च 2018 में 528 करोड़ का प्रॉफिट था, और यहाँ पे जब इसने स्टॉक मार्केट में एंट्री करी थी तो देखिए बहुत हाई लेवल पे 380 से 420 के लेवल पे एंट्री करी थी, लेकिन उसके बाद इसमें लगातार करेक्शन आया, और ये करेक्शन आता आता शेयर इसको 225 के लेवल पे ले गया था, ये वीकली चार्ट है, और जब ये डाउन ट्रेंड की लाइन खत्म हुई है उसके बाद एक रिकवरी के साइन देखने को मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव टर्न देखने को मिल रहा है, कब से, फरवरी 2019 के बाद से। ये तो था वीकली चार्ट, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्टॉक को डेली चार्ट पे भी। तो देखिए आपने ऑर्डर बुक एंड ऑल सारी देख ली, डेली चार्ट के पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ अगर, तो ये लो बनाया है देखिए 226-25 के आसपास का, उसके बाद देखिए नया एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है शेयर में, और ट्रेंड लाइन तो ये दिख रही है, और यहाँ पे मैं कहूँगा जो गिरावट आई है वापस, ये देखिए 342 के लेवल पे जरूर गया था, 342 के लेवल पे, लेकिन अब आप खुद देखिए भैया, ये पिछली बार भी इसी लेवल से वापस आया, इस बार भी इसी लेवल से वापस आया, क्योंकि ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसको अभी भी पार नहीं कर पा रहा है। ये देखिए पहले इसने इन रेजिस्टेंस पॉइंट्स को पार करने की कोशिश करी, फिर ऊपर देखिए यहाँ पे गया, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम पे मैं कहूँगा इसका एक सपोर्ट जोन जो मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है मुझे 280 से लेके 290 की रेंज में एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है, और अगर इससे नीचे आता है तो वापस मैं कहूँगा ये इन 270 के लेवल पे जो इसकी ट्रेंड लाइन है इसके पास भी आ सकता है, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी इन रेंज में स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने की। ये सपोर्ट, ये
जो आपको दिखते हैं ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। आप खुद देखिए यहाँ पर जब शेयर जंप किया गया, ये देखिए यहाँ पर जब शेयर जंप किया, ये कैंडल आपने देखी होगी कि किस तरीके से ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर से गैप अप पैटर्न देखने को मिला, तो ये बहुत बढ़िया एक साइन था। गैप अप पैटर्न लास्ट टाइम पे भी जब जंप हुआ था तो गैप अप पैटर्न के साथ ये जंप हुआ था, डेली कैंडल के बेसिस पर आप देख सकते हो। चलिए हमने ये बीडीएल की बात करी, बीडीएल में यही नहीं, मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बीडीएल का। देखिए डिविडेंड बढ़िया डिविडेंड देता है, आप खुद देख लीजिए कि ये मई में डिविडेंड अनाउंस किया था 7 रुपये 29 पैसे का, इस बार इसने मार्च में डिविडेंड अनाउंस किया 5 रुपये 25 पैसे का। और साथ में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जबरदस्त होल्डिंग है यहाँ पे, और LIC 40 लाख शेयर्स LIC के पास है, HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 67 लाख शेयर्स है। तो आप खुद देख लीजिए भाई, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए जबरदस्त काम करता है BDL, और 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, आपकी अपनी राय स्टॉक के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।